नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम्स 24। राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी को ज्ञापन सौंपा। भिवाड़ी प्रखंड भिवाड़ी के सभी विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता व सभी पदाधिकारी गण ने मिलकर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी गुंजन सोनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उपस्थित भिवाड़ी से जिला अध्यक्ष सतीश तंवर व जिला मंत्री यशपाल आचार्य व जिला धर्म प्रसार प्रमुख कालू राजाकोट कासिम व टपुकड़ा से धर्म प्रसार प्रमुख तरुण अग्रवाल, प्रखंड मंत्री धीरज तंवर व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन में आज देश एक विकट परिस्थिति से जूझ रहा है, जिसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देश में जिहादी तत्व घृणा और आतंक का वातावरण निर्माण कर रहे हैं। कभी सरतन से जुदा गैंग सक्रिय होता है तो कभी लव जिहाद या जिहाद के अन्य प्रकारों से हिंदू समाज को आतंकित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हिंदू संगठनों, उनके कार्यकर्ताओं और हिंदू नेताओं पर हमले कर उनकी हत्या करने की कई घटनाएं सामने आई है। 8 जनवरी 2023 को असम के करीमगंज जिले के लोबेरपुरा में बजरंग दल के एक 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभू कैरी की एक जिहादी द्वारा चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। पिछले 2 वर्षों में ही बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। जो घटना अभी दिल्ली में हुई है वह भी चिंता पैदा करती है, जिसमें 2 हत्यारों ने एक हिंदू की निर्मम हत्या कर दी और उसके 32 टुकड़े करने के बाद कहा कि उसके निशाने पर कई हिंदू नेता भी हैं। आतंक फैलाने के लिए किए गए इन हमलों में 2 नई रणनीतियां सामने आ रही हैं। हमलों के लिए नाबालिगों को आगे किया जा रहा है, जो बकरों की कुर्बानी और मदरसों की शिक्षा के कारण पहले से ही क्रूरता और घृणा से कूद कूद कर भरे होते हैं। कई घटनाओं में उन्होंने हत्या करने वाले गैंग को भी सुपारी दी है, जैसा कि दिल्ली के हत्याकांड से स्पष्ट हुआ है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप केंद्र सरकार को आग्रह करें कि घृणा फैलाने व झूठी विक्टिम कार्ड खेलकर मुस्लिम समाज को भड़काने वाले मौलवियों व नेताओं पर नियंत्रण करने के लिए एक कठोर कानून बनाएं। इन हमलों में सम्मिलित अवयस्कों को वयस्क के समान माना जाए, जिससे अवयस्कों को मिलने वाला संरक्षण इन क्रूर हमलावरों और हत्यारों को न मिल सके। हिंसा के लिए प्रेरित करने वाले तत्व विभिन्न नामों से सामने आते रहते हैं। सिमी, PFI, सिटीजन फोरम आदि केवल नाम है। प्रेरक तत्व जिहादी विचारधारा है, जिस पर रोक लगाने के लिए एक आवश्यक कठोर कानून बनाना चाहिए। इसके लिए आप कृपया केंद्र सरकार को उपयुक्त निर्देश दें। घृणा का वातावरण बनाने में मदरसों का बड़ा योगदान है, उन पर नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए। यह समय की मांग है। हम विश्वास करते हैं कि आपके कुशल